हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर पेपर पेडागोजी ऑफ कॉमर्स का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी और इसके अंदर हम जो है एडवांटेजेस ऑफ एम कॉमर्स की क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ ना देखे हो तो उन्हें भी ज़रूर देख लें। हम यूनिट फर्स्ट कम्प्लीट कर चुके हैं, ये यूनिट सेकेंड है। सबसे पहली एडवांटेजेस आती हैं एम कॉमर्स की, इट क्रिएट ए न्यू मार्केटिंग चैनल, यानी कि एक अलग तरीके से नए मार्केटिंग चैनल्स को जो है ये हेल्प कर रहा है। मतलब कि अलग अलग नए नए तरीके के हम मार्केटिंग चैनल्स जो हैं इसके थ्रू खोल पा रहे हैं और उनको यूज़ कर पा रहे हैं। इजीली सेल योर प्रोडक्ट टू द एंड यूज़र और उसकी मदद से आप जो है प्रोडक्ट भी अपना एंड यूज़र को बेच पा रहे हैं। नेक्स्ट आता है इट प्रोवाइड इजी स्टोर एक्सेस, यानी कि आप मोबाइल का यूज़ करते हुए आप इजीली जो है कहाँ पर स्टोर अवेलेबल है, किस तरीके से आप कहाँ मार्केट में जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें आप आसानी से पता लगा लेते हैं, यानी कि आप अपने मोबाइल का यूज़ करते हैं ओनली। नेक्स्ट आता है इट रिजल्ट इन कॉस्ट रिडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। एम कॉमर्स की वजह से ये जो है कॉस्ट इफेक्टिव है और ये आपकी जो मार्केटिंग की कॉस्ट होती है, जो मार्केटिंग कैंपेनियन के एक्सपेंसेस होते हैं, वो बहुत कम हो जाते हैं और ज़्यादा जो है हमारे कस्टमर के पास वो जल्दी से पहुँच जाता है मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। आपने देखा होगा कि जो पढ़ाई करा रहे हैं, जो भी लोग हैं जो कोचिंग वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, उन्होंने अपनी अपनी खुद की एप्लीकेशन ओपन की हुई है, तो वो क्या है कि आपको जल्दी से आप एक्सेस कर सकते हैं उस चीज़ को, आपको सिर्फ उसको बाय करना होता है प्रोडक्ट को और आप उन चीज़ों को एक्सेस कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इट बेनिफिट फ्रॉम ट्रेडिशनल रिटेलर सेल्स, यानी कि जो हमारे ट्रेडिशनल रिटेलर्स हैं उनसे बेनिफिट लेती है। एम कॉमर्स जो है डे टू डे एक्टिविटीज़ को जो भी हमारी उनको एडवांस करने में, उनको अच्छी तरीके से अच्छी पोजीशन में डालने में मदद करती है रिटेलर्स को और एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। डिसएडवांटेजेस क्या है, हमारी एब्सेंस ऑफ सर्विस इन रूरल एरिया, यानी कि जो हमारे रूरल एरिया विलेजेस वगैरह हैं वहाँ पर ये सर्विस अवेलेबल नहीं है क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन वहाँ पर बहुत कम होता है इस वजह से। नेक्स्ट आता है फ्रॉड रिस्क एंड सिक्योरिटी कंसर्न। एम कॉमर्स में फिर से वही है कि हमारे हैकर्स होते हैं, वो हैक कर लेते हैं चीज़ों को, हमारी सारी चीज़ों को। कुछ फ्रॉड वेबसाइट्स होती हैं, आपके पास एक लिंक आता है कि जैसे कि बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है ये फ्रॉड ऑनलाइन, कि फ़ोन आ रहा है या लिंक सेंड किया जा रहा है, उनके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, तो ये सारे रिस्क जो है एम कॉमर्स के हैं। नेक्स्ट आता है कनेक्टिविटी इशूज़। इफ़ यूअर नेट कनेक्शन इज़ पुअर, अगर आपके पास नेट कनेक्शन अच्छा नहीं है तो आपका क्या होगा, एट द एंड आप जो शॉपिंग नहीं कर पाएंगे, आप इरिटेट हो जाएंगे उससे। नेक्स्ट आता है हैबिट ऑफ पीपल्स, यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ द पीपल हु डू नॉट वॉन्ट टू कम आउट ऑफ देयर कम्फर्ट जोन एंड यू कैन से दैट दे आर नॉट रेडी फॉर द चेंज, यानी कि ये हैबिट आदत बन गई है लोगों की और जो ऐसे लोग हैं वो बस अपना उसी हैबिट को फॉलो करना चाहते हैं, यानी कि वो ट्रेडिशनल वे से ही चीज़ों को खरीदना चाह रहे हैं, ऑनलाइन वो आना ही नहीं चाह रहे। आपने देखा होगा जो ओल्ड पीपल हैं उनको जो है बैंकिंग वगैरह की समझ नहीं है कि ऑनलाइन गूगल पे कैसे यूज़ करना है, पेटीएम कैसे यूज़ करना है, उनको ये समझ नहीं है और वो समझना भी नहीं चाहते, यानी कि वो सीखना भी नहीं चाहते, तो ये एक इसकी डिसएडवांटेज है। तो ये हमारी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस थी। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।